तुझे तुझे शर्म नहीं आती? हेलो अबू किसे पूछूं बेसुबान सा ये जहां है खुशी के पल कहां जब मैंने सोचा ना कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना, मैं तो दिल से प्यार करता हूँ ना उसके साथ, तो मैं क्यों उसको दुख पहुँचाऊँ यार? वो अगर मुझे दुख पहुँचाती है तो कोई बात नहीं, उसके दुख मेरे सर आँखों पे, लेकिन मैं उसको कुछ भी नहीं कहूँगा। कल मुझे गुस्सा था कि मैं उसको मारूंगा, लेकिन मेरा दिल नहीं मार रहा कि मैं किसी की बेटी को क्यों मारूं। वो अगर मेरे साथ खुश नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उसको दुख नहीं पहुंचा सकता। मेरा ये जमीर गवारा नहीं कर रहा कि मैं उसको कुछ कहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई हमें देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ, और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे के पास शेयर करें। अहमद ने वीडियो अपलोड की है और जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और कह रहा है कि मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, तो मुझे देखकर काफ़ी ना शर्मिंदगी हुई है कि उसकी सोच बहुत अच्छी है कि उसने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो जो कुछ भी हुआ मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, और हम सुबह से मेरे पास है। उसके भाई तो अहमद के बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन उसके अब्बू जो हैं वो आए थे और अरहम को छोड़ के गए हैं मेरे पास। तो अरहम सुबह से मेरे पास है और खेल रहा है, हरकतें भी कर रहा है। तो कल मुझे अरहम की बहुत याद आ रही थी और बहुत इसको मिस कर रही थी। इधर देखो, ये देखिए जी, ये कैलसी की पूरियाँ बना बना के पी रहा है। और आज मैंने सारी अलमारी जो है वो बर्तन वगैरह जो हैं ये देखिए मैंने साफ़ वगैरह किए हैं आज, और सारा दिन मेरा इधर ही लग गया है। तो काफ़ी बर्तन उठा के फिर धोए हैं, धो के उसके बाद मैंने अंदर जो है अलमारी में दोबारा से सेट किए हैं। और चूल्हा वगैरह भी मैंने यहाँ पे जो है बर्तन, क्योंकि आपको पता है कि हमारा वो बारिश वगैरह की वजह से मैंने गैस सिलेंडर जो है अंदर रखा हुआ था और बाहर नहीं रखा हुआ था, यहाँ पे फिर सारा पानी था। अब कुछ जगह ये देखो खुश्क हो गई है, तो मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह जो है अपने सेट कर दिए हैं ताकि बाहर अंदर, क्योंकि गर्मी होती है फिर मैं बाहर बनाना शुरू होगी। वैसे भी गैस जो है वो ख़त्म हो चुका है सिलेंडर में, तो अभी फ़िलहाल मैं लकड़ियों पर गुजारा कर रही हूँ और लकड़ी वगैरह जला के जो है सलन बना रही हूँ। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाई, सुबह अहमद के अबू आए थे और मैंने उनसे कहा कि पता नहीं कैसे मैंने फटी पीछे की थी और समझ नहीं आती कैसे लग गई, तो वो कह रहे थे कि अच्छा कोई बात नहीं, घर में ऐसे छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, तो मैं अहमद को भेजूँगा शाम को। तो मैंने कॉल भी की थी और शुक्र है अल्लाह का उसने मेरी बात सुन ली। तो कह रहा था कि मैं शाम को आऊँगा घर, तो मैं उससे माफ़ी मांगूँगी क्योंकि गलती मेरी है। और वो बस समझ नहीं आती, बस उसने गुस्सा आया हुआ था कि कैसे हमारा झगड़ा हो गया और फिर मुझसे फटी वगैरह जो मैंने पीछे की और लग गई। तो आते हैं तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, और हम बहुत खुश है कि मेरा पापा आ रहा है। कल परसों हॉस्पिटल में था तो ये परेशान था कि मेरा पापा पता नहीं किधर गया है। तो अभी उसके भाई आए थे तो वो कह रहे थे कि घर पे है और वो आ रहे हैं। क्या हाल है तबीयत का? तुझे तुझे शर्म नहीं आती? आता हूँ मैं आज एक कड़ी, ठीक है? तुझे मैं बताऊंगा कि कैसे मारते हैं हस्बैंड को, ठीक है? अब तू बता मुझे, तब तू अब तू बता,
तुझे मैं बताता हूँ कैसे मारते हैं, ठीक है ना। तू ना हड हराम हो चुकी है और तेरे ना तो खा के ना मुफ्त का, तुझे शर्म नहीं आती। हेलो अबू, अहमद ने मैं कितना मारे ज्यादा गाल कोई भी नहीं दे सकता, थोड़ी जी पट्टी मेरे को लागी, वो भी लगी है या पता नहीं कूड़ बने दे, तो मैं कितना आंते मारे सू। मैं तेन माफी भी मंगी लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं तो नहीं रावणा, बस।